गया, दिस इज नैतिक. हे गाइस, दिस इज जस फ्रॉम सैमेंजर्स हेयर मेकअप एकेडमी मुंबई. दोस्तों, आज हम लोग फिर आए हैं अपनी हेयर ऑनलाइन क्लास के लिए, और मैं और नैतिक हम दोनों आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक है, नैतिक, क्या है आज का टॉपिक? सर, आज का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली गुड्डू का है, और वो राजस्थान जयपुर के पास टोंक है. okay. तो वहां से है, और सर आपके तो बहुत ही बड़े फैन है. he loves you actually. जब भी एकेडमी में आते हैं सिर्फ आप ही की बात करते हैं. क्या बात? आई गेस आपको उन्होंने वहां पे जब सेमिनार किया था जी. वहां पे वो आपको मिले थे, और तो बस तभी की बातें करते रहे सर. आपका जो परफॉर्मेंस था इन जयपुर, एंड ही लव्ड इट. थैंक यू सो मच गुड्डू, थैंक यू सो मच. तो आज का जो उनका क्वेश्चन है. हेलो सर, मेरा नाम गुड्डू है, मैं आपकी एकेडमी का स्टूडेंट हूँ. मेरा आज का क्वेश्चन हेयर से रिलेटेड है कि बालों के अंदर डैंड्रफ क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अमेजिंग. एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ के बारे में इतना पता भी नहीं है. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डैंड्रफ को लेके. चलिए आज हम लोग थोड़े बेसिक बातें करते हैं, बता देते हैं आपको कि व्हाट इज एग्जैक्टली डैंड्रफ इज. देखिए, जिन लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, बहुत ऑयली स्कैल्प इनका होता है, उसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करता है, और ऑयल अगर ज़्यादा सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं सिबम. तो अगर सिबम ज़्यादा हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स में से निकलता है तो एक फंगस है जिसको हम बोलते हैं मेलासीजिया. तो वो जो फंगस मेलासीजिया है, उस ऑयल की वजह से उसको खाना ज़्यादा मिलता है, और वो खाना ज़्यादा मिलने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा बढ़ता है, आपके स्कैल्प पे ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से आपका जो स्कैल्प है वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस. अभी सिबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? कंडीशन बेसिकली ये है कि जब आपके स्कैल्प में बहुत रेडनेस हो जाए, या आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो, ये तभी होता है जब ये जो फंगस मेलासीजिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके पूरे स्कैल्प में आ जाता है, उसकी वजह से आपके जो स्कैल्प है वो इस कंडीशन पे आता है. ये जो फंगस है मेलासीजिया, ये जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, आपकी एज बढ़ती रहती है, ये उसके साथ साथ बढ़ता रहता है. आपके जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से बढ़ता है. या बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही आपको, इट इज़ कंटेजियस, बाहर से तो आता ही है, लेकिन ये आपके अंदर जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका जैसे एज बढ़ रही है, सब इंटरनली है, या बहुत स्ट्रेस लेते हो ये भी इंटरनली है, इसकी वजह से भी ये फंगस जो है मेलासीजिया, ये भी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ क्रिएट करता है. और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आपका जो खाना पीना है इसकी वजह से भी, जैसे ऑयली खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, जैसे अभी हम लोग, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, वड़ा पाव बहुत सारे लोग बहुत खाते हैं. तो जो लोग ये ज़्यादा खाते हैं, मतलब इस तरीके का गंदा तेल जो लोग ज़्यादा खाते हैं, उनके बालों में ये जो फंगस है मेलासीजिया, ये बढ़ता रहता है. तो और ये जो कलर में रहता है, अगर आप इनको देखोगे, आप इसको कैसे पहचानोगे, ये कलर में रहता है येलो और वाइट, या तो येलो होगा या वाइट कलर में होगा. तो आप ये समझ लो कि ये ऑयली डैंड्रफ है, जो कि आपका फंगस है जिसको हम बोलते हैं मेलासीजिया. इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप नैतिक? सर, जैसे आपने बोला कि जो मेलासीजिया है जी, हमारे ऑयली स्कैल्प के ऊपर एक अपना एक खाना ढूंढता है. राइट. इसकी वजह से, जैसे मेलासीजिया की बात करूं, मेलासीजिया अगर आपने जो स्कैल्प है उसमें से ऑयल को खाते रहते हैं, राइट, उस ऑयल को ही, मतलब ऑयल को ही खाते रहे, हाँ, okay. और उस ऑयल की वजह से हमारी जो स्किन के जो सेल्स हैं वो जल्दी डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो स्किन है वो शेड होने लगती है, जैसे गिरने लगती है. देखिए, जो आप देखते हो ना आपके कपड़ों पे, अगर आप ब्लैक पहनते हो तो आपके जो डैंड्रफ नजर आता है, वो बेसिकली हमारे सेल्स है, डेड स्किन है, जो हमारे पूरे इसमें वो खा खा के फेंकते रहता है. मतलब बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में बात करूं, तो ये जितना भी आपको दिखता है, दैट इज ऑल डेड सेल्स. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो फंगस है आपका मेलासीजिया, उसकी वजह से. ओके, और क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर, ये जो डेड स्किन होती है जी, बेसिकली अगर आप ज्यादा स्क्रैच करते हो, इचिंग जिसको ज्यादा होती है, मतलब खारिश,
खारिश की बात कर रहे हो आप, अगर ज्यादा खारिश करेंगे हम लोग तो उसकी वजह से भी वो गिरती रहती है। ओके, और इसको हम अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं डैंड्रफ की बात करूं, अगर मैं प्रिवेंट की बात करूं तो मतलब इसको हम रोक सकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना, तो हम ये जो डैंड्रफ हमारा आ रहा है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो ऑयलिंग बंद कर दो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए ऑयलिंग इज गुड, स्कैल्प आपको पहले देखना है, उस स्कैल्प के हिसाब को करना है। ऑयलिंग जिनके बालों पर डैंड्रफ है उसको तो बिल्कुल ही आपको करना ही नहीं चाहिए। ऑयलिंग इज वो क्या कर रहा है, आप अपने जो फंगस है आपका मेलासीजिया उसको और ज़्यादा खाना दे रहे हो बेसिकली, क्योंकि अंदर से तो निकल ही रहा है आपका सेबेशियस, जो आपका सिबम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ऊपर से आप ऑयल दे रहे हो तो और ज़्यादा बेसिकली और उसको आप फूड दे रहे हो ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए, तो ऑयलिंग इज नो। ओके, और क्या सर? इसके अलावा आप जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, जी अपने टेंशन की बात की, तो थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा पे भी चले जाइए। ओके, बिकॉज यू नो आज के आज का अगर मैं 2019 की बात करूं, जी एवरीवन इज इन अ रश, अब तो वैसे 2020 भी आने वाला है, राइट 21वीं सदी में आ रहे हैं हम लोग, जी राइट। 2020 की अगर मैं बात करूं तो एवरीवन इज इन अ रश, राइट। इस अगर इस भागदौड़ की जिंदगी में जी हेल्थ की किसी को परवाह यू नो पीछे रह गई है, राइट, तो थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। और इसमें हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए अगर कई बार क्या होता है, बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है आपको, अभी इस पे भी हम लोग एक जल्दी कैसे ट्रीट करना है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी काम नहीं आ रहे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आप डैंड्रफ को स्पेशली ऑयली डैंड्रफ को आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे स्कैल्प के लिए। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा एक ऐसे फंगस में आ जाएगा कि उसको फिर इंजेक्शन से ही ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसे मेरे डॉक्टर से कुछ बात हुई थी तो उन्होंने मतलब वो बहुत सीरियस थे, उन्होंने कहा इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें। और इसमें हम लोग अगर जैसे केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो केमिकल में हम लोग को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? नैतिक सर सबसे पहले तो ब्लीचेज अवॉइड कर दो, जो हमारे प्री लाइटनर्स हैं जी उसको अवॉइड, मैं तो बोल रहा हूँ कलर्स को भी अवॉइड ही करना चाहिए, जो भी केमिकल है बेसिकली आप उसको अवॉइड करो, मतलब ब्लीच इसलिए क्योंकि जिस कंडीशन में आपका स्कैल्प है, जैसे मैंने आपको बताया सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इस कंडीशन में आप कोई भी केमिकल लगाओगे एंड ये जो ब्लॉन्डर है ये तो बहुत ही हार्श ड्राई कर देता है और ज्यादा, मतलब फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा इचिंग और पेन होने वाला है अगर आपका थोड़ा भी स्कैल्प पे टच हो गया तो, right. तो केमिकल अवॉइड करना है। और क्या बताएंगे इसमें आप? तो जैसे आपने बोला कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अगर वॉश कर रहे जी तो एक चीज का भी ध्यान रखो कि जब वॉश करोगे तब प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से एक तो रिंस आउट हो जाए, राइट, कि वरना अगर शैम्पू भी रह गया, अगर मास्क लगा रहे हैं कंडीशनर लगा रहे हैं वो भी रह गया, राइट, तो उसकी वजह से भी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट। और आप अपने स्कैल्प को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्लीन करने की, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप जो आपके वॉशेज है ना उसको थोड़ा फ्रिक्वेंटली करो, जितना ज़्यादा आप अपने स्कैल्प को साफ रखोगे वॉश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अपना टॉवल खुद ही यूज़ करें, right. किसी और को ये वो टॉवल यूज़ ना करने दें, right. ताकि right. वो किसी और को ना लगे, दिस इज़ वेरी कंटेजियस एक्चुअली, तो किसी right. और के स्कैल्प से किसी और को लगा आपकी फैमिली में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं किसी की फैमिली में एक को किसी को अगर डैंड्रफ हुआ तो आप देखते हो ऑलमोस्ट सभी को ही हो जाता है, तो इट इज़ कंटेजियस, तो इसको सीरियसली लें आप और इसको ट्रीट बहुत ज़रूरी है आपको करने के लिए। और क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसमें सर? अभी इसमें और एक चीज़ जो फाइनल बचती है जी वो हमारा इंडिया का खाना, ओके राइट, तो थोड़ा सा ऑयली फूड अवॉइड करो जी, क्योंकि जो जैसा खाओगे वैसा ही यू नो बाहर दिखने वाला है, राइट right. तो थोड़ा सा ऑयली फूड अवॉइड करो, ट्राई करो थोड़ा सा हाइजीनिक खाने का, थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए मेरे ख्याल से, वाटर इज द मेन, मतलब आप इसमें पानी बहुत ज्यादा पियो, पानी इज गुड फॉर द बॉडी, इसमें भी वो क्योर करता है। और अगर इसमें आप ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी गुड, तो आपको ल्यूकवार्म वाटर इसमें एडवाइस करेंगे हम लोग। वैसे तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन ल्यूकवार्म वाटर, एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, हम सबको पता है क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स, और लेकिन जब कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे तो फिर हमारे पास में और कोई चारा नहीं रहता, हमें ये करना ही चाहिए, हमें पीना ही चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, राइट। और क्या बोलना चाहेंगे सर? अभी तक तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग ऑयली डैंड्रफ की बात कर रहे थे, अब जो हम बात करेंगे वो है ड्राई स्कैल्प की बात करेंगे, राइट। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प एक ही चीज है, बट बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, राइट, ये दोनों अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, राइट। तो इसमें जो ड्राई डैंड्रफ आपका होता है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो डेड सेल्स हैं
वो पापड़ी बन रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं आपके स्कैल्प में से, वो पापड़ी बन के बाहर आता है, एंड दैट इज नॉट डैंड्रफ बेसिकली, दैट इज द फ्लेक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम योर स्कैल्प. वो सेंसिटिव स्किन हो सकती है आपकी, वहाँ पे भी आप इचिंग करते हो तो आता है, बट दैट इज ड्राई, ड्राई स्कैल्प होने की वजह से दैट कम्स आउट. तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग है. सर इसमें और एक चीज बोल सकता हूँ, अगर आपकी बॉडी में से थोड़ा मॉइस्चर का लेवल जैसे कम हो गया है, राइट, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो ज्यादा, राइट, या यू नो सिर्फ धूप में घूम रहे हो, तो वहां पे आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई होने वाला है, राइट, बिकॉज अंदर से बॉडी को हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे भी ये इफेक्ट आने वाला है, राइट. तो जिसको जिसको ड्राई स्कैल्प है वो ज्यादातर पानी पियो, राइट. एंड और देखिए अभी इसमें अगर मैं बात करूं नैतिक के, अगर हम लोग ऑयली डैंड्रफ की बात कर रहे थे अभी, तो उसमें जो सिबेशियस ग्लैंड्स में से जो सिबम सिक्रीट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा था, इसमें जो सिबम हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह से आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ पे भी पानी हेल्प कर रहा है, वो हाइड्रेट कर रहा है, तो वहां पे आपको तो बिल्कुल. और इसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग है. अगर आपका स्कैल्प ड्राई है वहां पे आपको ऑयलिंग विल हेल्प. जैसे हम लोगों ने आपको बताया ऑयलिंग, जो आपका ऑयली स्कैल्प है वहां पे तो करना ही नहीं है, लेकिन जहां पे आपका ड्राई स्कैल्प है वहां पे आप ऑयलिंग अगर करते हो तो वो ऑयलिंग आपको लेनी है ल्यूक वार्म करके, एंड दैट इज वेरी गुड. आप थोड़ा सा ऑयल लो, उसको ल्यूक वार्म करो, उसका मसाज करो और उसको रखो, एंड देन वॉश इट ऑफ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. तो अभी वो ट्रीटमेंट है, कहीं हेल्प कर रहा है और कहीं उसके नुकसान हो रहे हैं. तो आपको सही चीज सही जगह पे यूज करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स होंगे. कुछ और ऐड करना चाहेंगे नैतिक? सर जो ऑयलिंग की आपने बात की, बेसिकली जो ऑयल है वो आपके स्कैल्प पे लगाना, ना कि हेयर पे. जी. एक चीज पे ध्यान रखना, जो जो डैंड्रफ हो रहा है वो आपके स्कैल्प पे हो रहा है. एब्सोल्युटली वेरी गुड पॉइंट. तो ये भी ध्यान रखना, लेंथ के लिए जो है आपके ऑयल नहीं है, ऑयल जो है वो आपके स्कैल्प के लिए. उसे देखिए, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो एक चीज आप समझ लेना कि आपके बालों के अंदर मॉइस्चर नहीं है, आपके बाल वेवी या कर्ली तरफ ही होंगे, मतलब स्ट्रेट की साइड नहीं होंगे, क्योंकि आपका स्कैल्प ड्राई है. तो यहाँ पे अगर आप बालों पे ऑयल लगाओगे तो बाल खराब होंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा. हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो सब स्कैल्प के लिए कर रहे हैं. इट्स वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली कि आपको ऑयल को स्कैल्प पे ही लगाना है, ड्राई स्कैल्प पे, बालों पे नहीं, हेयर स्ट्रैंड पे नहीं लगाना. वेरी गुड पॉइंट सर. इसमें और एक चीज ऐसी है कि अगर आपका इसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, right. मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ और हमारी टीम भी है, तो इसमें सर पहचाने कैसे, वो एक चीज हो जाती है. तो अगर आपके स्कैल्प में से अगर लार्ज फ्लेक्स निकल रहे, लार्ज मतलब थोड़े से मोटे फ्लेक्स निकल रहे जो ऑयली है, तो उसको हम लोग डैंड्रफ में काउंट करेंगे, राइट. पर अगर छोटे फ्लेक्स हैं, पतले फ्लेक्स हैं, तो वो आपका ड्राई स्कैल्प है. इचिंग तो दोनों में ही होती है, राइट. इचिंग में तो इतना ये नहीं है, बिकॉज आप इच करोगे तो भी गिरेगा, छोटे भी गिरेंगे, आप इच करोगे तो बड़े भी गिरेंगे, पर जब डैंड्रफ होगा तो आपका स्कैल्प जो है वो थोड़ा स्टिकी लगेगा और थोड़ा सा रेडनेस हो जाएगा. परफेक्ट. पर जैसे ही मैं ड्राई स्कैल्प की बात करूं, तो ड्राई स्कैल्प में आपकी जो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स भी होंगे, जैसे आपके फेस हो गया या आपके हैंड्स हो गए, तो वहां पे भी आपको एक ड्राइनेस दिखेगी, राइट. तो आपको इन चीजों से पहचानना है बेसिकली जो आपका डैंड्रफ है, जो आपका स्कैल्प है, वो किस कैटेगरी में आता है, और उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट चूज करिएगा. सर डैंड्रफ की जब मैं बात करता हूँ, तो डैंड्रफ जो है वो क्योरेबल नहीं है. डैंड्रफ जब मैं बात करूँ तो डैंड्रफ जो है वो आप मैनेज कर सकते हो, राइट. आप उसको एक लंबे समय के, जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप शैम्पूज कर रहे हो, तो आप एक लंबे समय के लिए उसको अवॉइड कर सकते हो, राइट. पर वो कभी भी जाएगा नहीं, 100% नहीं जाता. मतलब अगर जैसे ही आपने ट्रीटमेंट बंद किया वो दोबारा आ जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है जिन लोगों को भी ऑयली डैंड्रफ है. आपने एक बार ट्रीटमेंट किया, कई बार वो काफ़ी हद तक निकल जाता है, काफ़ी परसेंटेज में निकल जाता है, लेकिन जैसे ही आपने वो ट्रीटमेंट स्टॉप किया, अगेन इट कम्स, है ना. तो इसलिए इस ट्रीटमेंट को आपको करते रहना पड़ेगा. मे बी जो आपका जो टाइम पीरियड रहता है, जहाँ 15 दिन में एक बार कर रहे हो, एक बार आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, निकल जाता है, तो आप महीने में एक बार करो, लेकिन करना ज़रूर पड़ेगा. और करेंगे कैसे वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियोस में, जैसे भी हमारे पास में आता है. और बहुत सारे बच्चे अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है सैमिजस की वीडियोज़ की वजह से, तो बड़ा अच्छा लगता है. आप लोग भी अपनी वीडियोस बिल्कुल बना के भेजें, आप लोग का फीडबैक भेजें, आप लोगों को कितने बेनिफिट्स हुए हैं हमारी वीडियोस से. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार भेजते हो. थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने भी भेजे हैं अभी तक वीडियोस में सबके. और एक्चुअली हम लोग को लगता है कि नहीं, अभी और मेहनत करनी है. जब आप जितना ज़्यादा प्यार करते हो और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है कि और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा काम करें.
तो बस इसी तरीके से प्यार देते रहें अपना और सीखते रहें और आगे लोगों को शेयर करते रहें जितनी भी वीडियोज़ हैं जिनको इनकी सबसे ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। जाने से पहले बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी मुंबई अकेडमी में आ सकते हैं। मुंबई में जो हमारी अकेडमी है वो है डोंबिवली में, खारघर में और अंधेरी में। अगर आप मुंबई के बाहर जाते हैं तो हमारी अकेडमी पुणे में है, पटना में है और चेन्नई में है, लखनऊ में भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।